और हमको क्या पता था कि कुत्ता निकलेगा, हमको थोड़ी पता था कुत्ता हो गया, पहले ठीक था कुत्ता हो गया, ऐसा दरिंदा तो हम देखे नहीं। शादी करना नहीं है, इतना ना प्यार का भूत आपके ऊपर चढ़ गया कि 14 बरस में आप एक नहीं दूसरा के भी लेकर भाग हम कह रहे हैं कि माँ बाप के जो धोखा दिए हैं ये तो सबसे बड़ा है। मैंने ये आलम इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ता निभाने में। नमस्कार, मैं अशोक यादव और मेरे साथ हैं सपना, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मामला क्या है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बिहार में लगातार जिस प्रकार से मामला सामने आ रहा है लग रहा है कि बेटियां खतरे में हैं। और हमारे साथ सपना जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या मामला है आपका, मामला बताइए अपना जी। मेरा नाम पड़ेगा सपना देवी उर्फ खुशबू कुमारी जी। लव मैरिज हम किए हैं। लव मैरिज की है, लेकिन मामला क्या है आपका? ये दिक्कत यही है कि हम जिस लड़का से शादी किए थे वो हमको छोड़ के मतलब किसी और से शादी कर रहे हैं, और प्लस में उनका भौजाई के साथ अफेयर चल रहा है। बात हुए हो गई कि हंसत खेला जिंदगी तबाह कर लो, ए बबनी बियाह कर लो, बियाह कर ली लेकिन अब तबाह है, दर दर भटक रही हैं। लेकिन सारा प्रक्रिया सारा मामला हम आपको अब एकदम साफ साफ बता रहे हैं। इनका नाम है सपना और खुशबू। अब खुशबू कहाँ के रहने वाली है, इनकी मायके कहाँ है, सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। मायके कहाँ है आपका? बानी छापर। बानी छापर जी। अच्छा, लव मैरिज हुआ है, कब आपका लव मैरिज हुआ? 2016 में। अच्छा, ये भी पता चला कि इसके पहले भी आपका ऑरेंज मैरिज भी हुआ था जी। 2016 में ही हुआ था। 2016 में ऑरेंज मैरिज हुआ, लव मैरिज 2016 में। अच्छा, अब कहाँ हुआ था ऑरेंज मैरिज? गहरी हुआ था। लव मैरिज? गहरी में हुआ। जी, बस वार्ड नंबर चेंजिंग है। क्या ऐसा कुछ हो गया कि ऑरेंज मैरिज से आपको अगर अच्छा ना लगा तो लव मैरिज में आप डूब गई? देखिए, हम पहले से ही लड़का से बात करते थे, ठीक है, और उसके पहले मेरे घर का लोग को पता चला ये अदर कास्ट है, इसलिए इसका इससे शादी नहीं की, कहीं और कर दिए लोग। तो वहाँ पे गए तो हमको पता नहीं था, पता चला कि लड़का मेंटल है। कैसे आपको पता चल गया मेंटल है लड़का? शादी किया करके अपने बहन को शिवराजपुर छोड़ने गया और उधरे सुधरे बाहर निकल गया, घर नहीं आया, और ना कॉल करना ना बात करना नहीं कुछ नहीं। अच्छा, जो लव करती थी पहले से करती थी या शादी के बाद करने लगी? पहले से करते थे। तो शादी जब लव पहले से करती थी तो शादी क्यों कर लिया? घर का लोग किया ना। जब घर के लोग शादी कर जाते तो उस पर रही क्यों नहीं आप? मेंटल था तो क्या करेंगे, रह के हवा पियेंगे? तब क्या पीजिएगा, हवा नहीं। क्या पी रहे हैं अभी? क्या पी रहे हैं अभी? तो जो सामने है उसको भुगत रहे हैं। तो पहले अगर उसी के साथ रहते तो ये तो भुगतना नहीं पड़ता आपको? तो कैसे रह जाते हम? मैंने क्या दिक्कत था वहाँ की? जब आदमी कमा के नहीं खिलाएगा, पैसा नहीं देगा, बात नहीं करेगा, घर पे नहीं रहेगा तो कैसे उसके घर पे रह जाएगा आदमी? बात तो नहीं करते थे पहले? नहीं नहीं, इसीलिए आप छोड़ दी। कितना दिन शादी होने के बाद में उनको छोड़ दी? डेढ़ महीना जी। देख लीजिए, सपना जी है और डेढ़ महीना में इनको पता चल गया कि इनके जो पति हैं, हालांकि नया नया किसी का शादी होता है तो पत्नी से तो दूर जाता ही नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे पतिदेव शादी के दिन ही यानी शादी विदा करा के लाए और उसके बाद घर छोड़ के रफ्फू चक्कर हो गए। अब रफ्फू चक्कर कहाँ हो गए, इनका क्रिएटिव है या क्या है, अभी खुद बताएंगे। चल बताइए, बता कर गए थे कि नहीं घर से? नहीं, हमको उनके पापा का और मम्मी के मुंह से सुनने के मिला कि वो अपने सिस्टर को छोड़ने गए हैं शिवराजपुर। हाँ। अच्छा, जो अब लव मैरिज की हैं तो कैसे मैंने घर से बता कर गई कि अब हम नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं? नहीं बताए नहीं, जाके उसके उनके घर पे इसका आना जाना रहता था वहाँ पे भी, तो वहाँ पे CSP बैंक में नजर आते जाता आता था तो कोई कुछ नहीं बोलता था, नहीं टोकता उकता था, सोचता था बैंकों के काम से कोई आता होगा। यानी CSP मैनेजर से हुआ प्यार, अब प्यार का परमाण ऐसा चढ़ा कि माता पिता का चहेते यानी कहें तो पतिदेव को छोड़ के बॉयफ्रेंड के साथ रफ्फू चक्कर हो गई। अब रफ्फू चक्कर होने के बाद इनको भुगतना यह पड़ रहा है कि अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है जी। जी, तो क्या अब नए वाले जो आपके पति हैं यानी कहें तो आपका जो बॉयफ्रेंड है वो क्या कह रहे हैं अब? देखिए, उनका कहना अभी तक हमको हमसे तो कुछ नहीं बोले हैं फेस टू फेस, जो बोला है उसका फैमिली बोले हैं लोग हमसे, वो नहीं बोले हैं कुछ भी फेस। तो आप मानती हैं कि नहीं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई? गलती तो यही है ना कि धोखेबाज इंसान पे हम विश्वास कर लिए, उसका झूठ मूठ का बहकावे फुसला हमें, हम फंस गए हैं, मेरे द्वार पे हाथ आके काटा, हम सोचे कि कहीं शायद प्यार करता होगा इसलिए हाथ उत काट रहा है।
तो मैंने पता था कि कोई टाइम पास कर रहा है मेरे साथ। मैंने जो घर छोड़ दिया उसको ये मेंटल कहने लगी, लेकिन जो हाथ कट लिया उसे ये मेंटल नहीं कह रही है। क्योंकि बताइए, कोई अपना जान चाहता है लेना? नहीं चाहता है कोई अपना जान देना। मेंटल आदमी, पागल आदमी वही चाहता है कि हम अपना जान गंवा दे, दुनिया से ख़त्म हो जाए। लेकिन जो कमाने के लिए, हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो, कमाने के लिए बाहर गया हो, और डेढ़ महीने में इन्होंने पता लगा दिया कि वो व्यक्ति मेंटल है, पागल है। और उसके मेंटल नहीं रहता तो उसकी पहली पत्नी छोड़ के जाती? नहीं जाती। पहली पत्नी छोड़ दीजिए तो आप भी छोड़ दीजिएगा। क्यों, पहली पत्नी क्यों नहीं रही? रहना ना चाहिए, एक गलत हो सकता है दो सब कोई हो जाएगा। मैंने पहली पत्नी थी वो छोड़ दी, इसीलिए आप भी छोड़ दी। तो उसमें गलती था तब ना वो छोड़ी, तो हम भी छोड़े हैं। हमको भी गलती नजर आया, हम भी छोड़ दिए। आप जानते हैं कि ना कि हमारे भारत संस्कृति में जो शादी विवाह का रीति रिवाज है, भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है कि एक बार शादी हो जाए तो दोबारा नहीं किया जाता है। लेकिन आजकल के ऐसे जमाने हैं कि एक बार नहीं हम हजार बार करेंगे, एक बार नहीं हम हजार बार करेंगे। बबुआ तोरा जौन मन करे उ कर लियो, काहे कि हमार ये पेशे बा। लेकिन सपना जी, चलिए गलती तो हो गया सपना जी से, लेकिन सपना जी से हम ये जानना चाहेंगे कि अब सपना जी क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? चाहते क्या, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। साथ रहना चाहते हैं। जो बगल में एक बच्चा खेल रहा है, बच्चा किसका है? उसी का है। आपका नहीं है? सद का। मेरा ही है। बोलिए ना, मेरा है तो उसका है, इसका मेरा बच्चा है। दोनों कोई क्या है? दोनों आदमी का है, एक आदमी का थोड़ी ना होता है। अच्छा, कितना साल का बच्चा हो गया? दो साल दो तीन महीना का। अच्छा, बच्चा हो गया था तब वो छोड़े या पेट में था? नहीं नहीं, ये हो गया, इसका बर्थडे वर्डे मन गया था, उसके बाद में लड़ाई हुआ है। बर्थडे हो गया मैंने एक साल का तब? हाँ तब हुआ है। बताइए, हमारे बिहार में और भारत में लगातार भ्रूण हत्या का मामला सामने आता रहा है कि बेटी, जब लोग सुनते हैं कि बेटियां होने वाली है तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। और भ्रूण हत्या भी अपराध है, और इनको तो बेटा हो गया और बेटा होने के बावजूद भी पतिदेव छोड़ दिए, यानी कहें तो दूसरा पति छोड़ दिए, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य इस बात की है कि लड़का दो साल के है, अब इसे पढ़ाएगा लिखाएगा कौन है, कैसे इनका जीवन बसर चल रहा है इन्हीं से जानते हैं। तो कैसे आप मेंटेन कर रही हैं परिवार, आपका जो है बच्चा है आपका? कमा के करते हैं। क्या काम करती हैं आप? ऐसे लेबर में काम कर लेते हैं। लेबर में काम करते हैं। वही बात है कि अगर पिता ना हो तो माँ कहीं से बच्चे को पाल पोस लेती हैं, लेकिन अगर माँ नहीं हो तो बच्चे का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। करेगा नहीं, मार के बोलवे करता है लोग कि मार के जलखमी में खपा देंगे, हम तो छोड़ देंगे। कौन बोलता है मार, मार के जल? जिस लड़की से उसका शादी फिक्स हुआ था, लड़की कहती है ध्रुव प्रसाद की लड़की से, हमको कॉन्फ्रेंस पे उसको रख के हमको बात कराए, जब बोले बच्चा का तबीयत खराब है तो डायरेक्टली क्या बोल रही है हमको कि तुम तो इनके पास कॉल मत करो नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। भाई मेरा पति है तो हम क्यों नहीं कॉल करेंगे? तुमसे किया नहीं ना शादी है, अभी फिक्स ना हुआ है, जिस दिन कर लिया रहता तुम ऐसे बोलती तो अच्छा रहता, उससे तुमसे पहले हम उसकी पत्नी है। अब शादी उदी का क्या प्रक्रिया हो रहा है या नहीं? नहीं, पुजाई उजाई हुआ है, उसके बाद से स्टॉक है, पुजाई के बाद से केस उस हुआ है, लड़ाई उड़ाई हुआ। गाँव का लोगों का तो अभी भी कहना है, अगर गाँव में किसी भी ग्रामीण से पूछिएगा कोई उसका घर का तारीफ आपसे नहीं करेगा। कोई तारीफ नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा। तो आप कहा इतना तारीफ कर दी, तारीफ का इतना ना पुल बांधी कि बच्चा आ गया सामने गोदी में आपके, तब किए थे? आप बताइए, बार बार शादी नहीं ना किया जाता है, जो हो गया सो हो गया। लगता नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी? जो माता पिता आपको कितने उम्र में आपका शादी हो रही है पहले बताइए? 14 साल। नहीं लगता है कि आपके माता पिता तो गलती किए ही, क्योंकि 14 बरस में शादी करना नहीं है। और इतना ना प्यार का भूत आपके ऊपर चढ़ गया कि 14 बरस में आप एक नहीं दूसरा के भी लेकर भाग गई। देखो मेरा मन से थोड़ी ना हुआ था, इससे हुआ था, और हमको क्या पता था कि कुत्ता निकलेगा, हमको थोड़ी पता था। कुत्ता हो गया पहले, ठीक था, कुत्ता हो गया। ऐसा दरिंदा तो हम देखे नहीं है कि किसी लड़की का अपने घर लाइए, उसका भी जिंदगी झंड कीजिए, साथ में भौजाई के साथ रहिए, बहन का वही स्थिति है, किसी और से अफेयर, सभी किसी का घर में तो यही है, उसका घर में बॉयफ्रेंड का बजाय। अपने माता पिता का ख्याल रखा? हमने नहीं रखा, तुम कहाँ कह रहे हैं कि हम रखे, हम कहे हैं। उसी का दंड आप भोग रही हैं। हाँ। जितने भी लड़कियां देख रही हैं हमारी वीडियो, उनको भी बताना चाहते हैं। हाँ। अगर आपको भी प्यार का भूत चढ़ा है तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भूत उतार दीजिए। हाँ, ना ऐसे ही भूत उतरेगा, कोर्ट कचहरी घूमते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। गाया का आया फास्ट ई स्कूटर, सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो
160 किलोमीटर की माइलेज, 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड, LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी। समृद्धि इंटरप्राइजेज मेन रोड लक्ष्मीपुर अक्सौल SRP हॉस्पिटल के बगल में, फाइनेंस की भी सुविधा। जैसे ही घूम रही है, बात सही है कि नहीं? देखिए हम काहे नहीं कुछ हुआ है ना, 10 महीना जेल खट के आया है ना, फिर जेबे करेगा, खट के आया 10 महीना, तो अभी कोर्ट का डिसीजन फाइनल नहीं ना हुआ है, फाइनल नहीं होगा, नहीं। अब कहीं शादी कर लेगा तब? देखिए शादी कर, जब उसका वही पैसा है, किसी के जिंदगी के साथ गेम खेलना है इले है उसको, तो क्या कर सकता है कोई, कितना चोर का पहाड़ा कोई करेगा। जिंदगी भर तो आप केस लड़ते रह जाइएगा, आपके जैसा मालूम है कि नहीं बहुत सारे लड़कियां हैं जो केस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा। देखिए हम, देखिए कोई अपना शौक के लिए लड़ता है, ठीक है ना, कोई शौक के लिए लड़ता है, किसी को इस्तेमाल अपना शौक के लिए करता है, हम किसी को अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शौक के लिए, ठीक है, हम जो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। आपने तो वो इस्तेमाल किया, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उनकी आशाओं पे पानी फेर दिया, जिन्होंने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, 14 साल तक ले पाला आपको, क्योंकि 14 साल में आपकी उम्र में शादी हुई थी, उनकी उम्मीदों पर आपने पानी फेरा, इसे बड़ा क्या होता है? ये तो देखिए मेरे घर का अगर तो गलती कोई भी ऐसा गलती किया, हाँ तो हम कह रहे हैं कि माँ बाप के जो धोखा दिए हैं ये तो सबसे बड़ा गलती है, लेकिन हमारे साथ जो लड़का किया है वो क्या अच्छा किया है? वो भी गलती किया, उसका बात तो हम बताएंगे, लेकिन इसमें बोलिए कि अगर जो भी लड़की देख रही है, बोलिए जो लड़की देख रही है और जिनको प्यार का प्रमाण चढ़ा है, भूत चढ़ा है, उतार दे जल्दी से। जिनको प्यार का भूत चढ़ा है ना, वो लड़का लोग का ना सीधे हाथ जोड़ के और भाई बोल के साइड लग जाओ लोग, नहीं तो कभी लाइफ खराब कर देगा। समझ नहीं लगी ना कि आप लोगों के सामने है, उदाहरण में है, और सपना जी हैं, और इनका अभी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है। हालांकि जो लड़का शादी किए हैं उनसे भी मेरा कहना है कि बच्चा है, इस बच्चे का क्या गलती है, इस बच्चे का क्या गलती है, कम लगभग 2 साल की उम्र में अपने पिता को मान लीजिए खोए ही दिया है, पिता का भी तो पिताजी इनके हैं जो इनकार कर गए कि हमारा बच्चा ही नहीं है। तो DNA जांच काहे नहीं करवा रहे हैं, काहे मुंह छुपा के बैठे हैं भौजाई के अंदर, बाहर निकलना ना चाहिए। मैंने भौजाई के अंदर मतलब, मैंने भौजाई के पास काहे मुंह छुपा के बैठे हैं, सामने आना चाहिए, भौजाई के साथ अफेयर चल रहा है तो भौजाई के पास ना मुंह छुपा के बैठे हैं। भौजाई के पास अफेयर चल रहा है तो फिर भौजाई जानते हुए दूसरा शादी काहे करा रही है? भौजाई आप जान रही है कि इस तरह किसी को, आप देखिए हम आरोप लगा रही है? नहीं आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप देखिए आपको कैसे मालूम है कि भौजाई के साथ अफेयर? नहीं देखिए हम घर जाते थे तो हम देखे हैं, हम 5 साल रहे हैं उसके बारे में पूरा बायोडाटा जान रहे हैं, वो लड़की से न्यू शादी हो रहा है वो तो कुछ नहीं जान रही है, वो घर का फैमिली के बारे में क्या जान रही है, कुछ नहीं जान रही है, रहेगी एक साथ तब ना जानेगी, ये तो रहती है बेतियाँ और उसको रखेगा लोग गाँव, बेतिया तो रखेगा लोग नहीं एक पास में, तो ये दोनों का लव जब बेतियाँ चलता है गाँव में तो कभी कभी छुपके से छुपा छुपा के टाइम मिल गया तो चल गया। मैंने खास करके कहा जाए आपके सामने लव छप करने जाते हैं। हाँ अब बताइए अगर अफेयर नहीं रहेगा तो क्यों भौजाई सब फोन करके बोलेगी भौजाई की हाँ बउआ जी आपके भैया चल गए हैं पत्रकारी करने और आपके दो भतीजा भतीजी स्कूल चल गया है, लोग आइए ना। भारत के संस्कृति में है कि भौजाई को माँ समान माना जाता है, और इनका जो आरोप है एकदम बहुत खतरनाक आरोप है, और शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए इस तरह से किसी पे आरोप लगाना, आरोप मढ़ना बहुत सही मुझे जहाँ तक लगता है नहीं है चाहिए। नहीं हमको कोई फायदा का जरूरत नहीं, हम किसी पे क्यों गलत आरोप लगाएंगे, हम जो देखे हैं वो बोल रहे हैं।